नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार के युवाओं को रोजगार के अवसर के बारे में चलाई जा रही जागरूकता कार्यक्रम के तहत चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जिला रोजगार कार्यालय की ओर से करियर काउंसलिंग को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला रोजगार अधिकारी ने बतौर मुख्य वक्ता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को करियर चुनने को लेकर जागरूक किया और विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा नगर पार्षद सुमन शर्मा ने महिला सशक्तिकरण में महिला रोजगार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग व शारीरिक विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रोजगार अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह जागरूकता अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अपने करियर में क्या करना चाहिए और मिले हुए अवसर पर क्या करना चाहिए बताया गया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। जी, मेरा नाम पंकज है, मैं बतौर रोज़गार अधिकारी यहाँ पे कार्यरत हूँ सिरसा में। जी एक्चुअली हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार रोज़गार विभाग ने एक मुहिम छेड़ी है पूरे हरियाणा में। इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स वोकेशनल गाइडेंस के तौर पे एक अभियान चलाया है जो निरंतर आगे कंटिन्यूस बेसिस पे चलेगा। इसमें स्टूडेंट्स को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और वोकेशनल गाइडेंस, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के अवसर, इसके बारे में उन्हें अवगत करवाया जाता है और उनको उनके मन में जो शंकाएँ हैं रोज़गार के प्रति और अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेज के प्रति और आने वाले समय में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा मिल सके, इस प्रकार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको नए नए अवसरों के बारे में बताने के लिए हमारे द्वारा ये अभियान चलाया गया है। और ये क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी और ड्यूटी भी है बतौर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को बताना, तो इसके तहत हम आज यहाँ सीडीएल यूनिवर्सिटी सिरसा में आए। आज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमने इसमें उनको शामिल किया है और इसमें बीएड के स्टूडेंट्स इसमें आज शामिल हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से आज यहाँ पे बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग का यहाँ पे एक प्रोग्राम है। और वैसे तो देखो, इसमें डिसाइड हो ही गया कि जिन बच्चों ने बीएड करने का सोचा है कि वो टीचिंग लाइन की तरफ जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी उसमें और क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या क्या कमियाँ ऐसी रह जाती हैं जिसमें वो टीचिंग लाइन में भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए आज यहाँ पर जो करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को बहुत कुछ सीख लेगी यहाँ पे। सर, हमारे यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज को लेकर यहाँ सर आए हुए हैं तो हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमें बहुत सारी जॉब मिल सकती है और स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो रहे हैं यहाँ पर। और मैं खुद इवन टीचर बनना चाहती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही कुछ कर पाऊँगी। सिर्फ सिविल सर्विसेज में या फिर गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर्स में ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी आप पैर फंसाओगे, आप डेस्टिनी कहीं भी ले जा सकती है। तो इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को कितना फायदा होता? देखिए, इस कार्यक्रम से बच्चों में मोटिवेशन आता है। बेसिकली मोटिवेशन किस तरह का कि जरूरी, जो लोग रिजल्ट जैसे आता है, जैसे हमने नेट दिया और डिसक्वालीफाई हो गए हम, उसके लिए हमें ये मोटिवेट करता है कि हमें हताश होकर कहीं नहीं बैठना चाहिए। सर, इससे एक तो ये स्कीम पता चलती है कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए और हमें जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं है तो इससे हमें मतलब पता लग जाता है कि जो अदर स्ट्रीम में मतलब हम चले जाते हैं, जैसे एज ए टीचर आप बता रहे हैं मैम कि टीचर में जाते हैं हम और कहीं दूसरे मतलब के फील्ड में चले जाते हैं तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है, इस टीचिंग लाइन का सभी जगह फ़ायदा है। इस तरह कार्यक्रम ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए। यस सर, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए सर।